नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज पर। मैं हूं पूजा। महापौर पद का चुनाव सीधे जनता से कराने के बीजेपी सरकार के ऐलान से सभी पार्टी में नेताओं के चेहरे खिल से गए हैं। शहरों की राजनीति में सक्रिय नेताओं ने नगरीय निकाय के चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी का ऐलान होते ही महापौर की टिकट के लिए दावेदारी और लॉबिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद मेयर बनने की रेस में भाजपा और कांग्रेस के कई दावेदार हाईकमान तक अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिए हैं। रीवा नगर निगम के चुनाव में खास बात यह रही है कि सन 1994 में नगर निगम रीवा से महापौर कांग्रेस के बनने के बाद भाजपा ही जीतती आई है। हालांकि इस बार के चुनाव में कांग्रेस शहर सरकार पर अपना कब्जा जमाने के लिए हर दांव आजमाना चाहती है और कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ना चाहती। अगर कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में बात करें तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्रा बाबा, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष कविता पांडे, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, राजनीति की पहली सीढ़ी पर कदम रखने वाले, विदेशों से पढ़ाई कर लौटने वाले विभूति नयन मिश्रा माने जा रहे हैं। दावेदारों में अजय मिश्रा बाबा तीन बार के पार्षद नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, तो वहीं विभूति नयन मिश्रा देश विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के बाद पहली बार राजनीति की सीढ़ी पर कदम रखने की तैयारी में है। हालांकि पूर्व विधायक एवं जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। वो अपने बेटे विभूति नयन मिश्रा को चुनाव जिताने में एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए प्रयत्नशील दिख रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से रीवा विधानसभा के प्रत्याशी थे, जिन्होंने अन्य कांग्रेसी उम्मीदवारों से न केवल ज्यादा वोट हासिल किए बल्कि भाजपा प्रत्याशी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं कांग्रेस में शामिल हुई कविता पांडे महापौर की रेस में भी शामिल है। कविता पांडे को जब पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला था तो वो कांग्रेस में बगावत कर चुनाव लड़ी थी और उन्हें सम्मानजनक वोट भी मिले थे। ये जरूर है कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का खामियाजा इन्हें भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि विमलेंद्र तिवारी एवं उनके समर्थक कविता पांडे की राह में रोड़ा बन सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रियंका तिवारी को महापौर का टिकट मिला था, तब उन्होंने बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जा रही चुनाव की तैयारियों के बाद भारतीय जनता पार्टी भी मेयर पद के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश में जुट गई है जो होने वाले महापौर का चुनाव जीत सके, और इसके लिए भाजपा से दो बार पार्षद रह चुके वेंकटेश पांडे का नाम सबसे ऊपर है। तो विवेक दुबे, वीरेंद्र गुप्ता और सिंधी समाज से कैलाश कोटवानी के नामों की भी चर्चा है। यहाँ खास बात यह है कि अगर मेयर का टिकट वैश्य समुदाय को दिया जाता है तो उसमें वीरेंद्र गुप्ता ही सशक्त दावेदार माने जा रहे हैं, जबकि सिंधी समाज से कैलाश कोटवानी को भाजपा मेयर का टिकट दे सकती है। यहाँ पर खास बात यह है कि तीन बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर पार्षद का चुनाव जीतने वाले वेंकटेश पांडे को भी सशक्त दावेदारों में गिना जा रहा है। पिछले कार्यकाल में जब महापौर ममता गुप्ता थी, उस दौरान उनकी मौजूदगी में प्रभारी महापौर के रूप में वेंकटेश को ही मेयर की कुर्सी दी जाती रही है। इतना ही नहीं, राजेंद्र शुक्ला के आगे पीछे वेंकटेश पांडे अक्सर कार्यक्रमों में देखे जा सकते हैं। हालांकि चुनाव लड़ने वाले अभी अपनी टिकट पक्की करने के लिए हाईकमान तक दौड़ लगा रहे हैं। इस पंचवर्षीय में नगर निगम का महापौर कैसा हो और जनता को उससे क्या उम्मीदें हैं, इसको जानने के लिए हमने अलग अलग समुदाय और शहर के अलग अलग लोगों से बातें की, जिनके द्वारा अपनी राय बताते हुए कहा गया कि महापौर चाहे किसी भी पार्टी का बने, लेकिन उन्हें योग्य पढ़ा लिखा महापौर होने के साथ साथ सड़क, पानी, बिजली, साफ सफाई की व्यवस्था करने वाला चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं शहर के बुद्धिजीवियों को, जिन्हें सुनकर आप अनुमान लगा लेंगे कि रीवा शहर सरकार के लिए जनता किसे कुर्सी का हकदार मानती है और उससे क्या उम्मीदें लगी हुई हैं। महापौर हम ऐसा चाहते हैं जो शहर के विकास में ध्यान दे, स्वच्छता में ध्यान दे और खासतौर से गंदगी वगैरह जो इधर उधर है इस पर ध्यान दे। बस इसी तरह महापौर है किसी पार्टी और उससे ना हो, लेकिन उसका ध्यान ये हो कि शहर का हम किस तरह से विकास करें, किस तरह से शहर को सुंदर बनाएं, किस तरह से इसको आगे लेके जाएं। मध्य प्रदेश में जैसे इंदौर सबसे आगे है तो हम ये चाहें कि हम उसके टक्कर का बने, तो इसके लिए मतलब वो थोड़ा सा लगे इसमें। हालांकि पब्लिक को हम सबको लगना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा, लेकिन फिर भी वो चूँकि प्रथम नागरिक कहलाएगा एक जिले का,
तो उस वो मैंने ऐसा अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस करे, केवल पद को ग्रहण करके और केवल उसी का वो भोग करता रहे, तो ऐसा महापौर ना। कई संभावित नाम समाचार पत्रों ने उछाल दिए हैं जी, आपने देखा भी होगा, तो आप यदि ये चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टियों को आप सामने रख लें, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको आप महापौर के रूप में देखना चाहेंगे? क्षमा चाहूँगा, मैंने अभी ऐसे कोई नाम देखे नहीं है दोनों पार्टी से, इसलिए मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं बता पाऊँगा। किसको देखेंगे महापौर के रूप में? बात मतलब अभी कृपा पात्र की नहीं है, बात यदि कैंडिडेट अच्छा हो तो, अभी तो ये तीनों कैंडिडेट नए हैं हमारे लिए और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं कि मतलब किस टाइप से, यदि इंजीनियर राजेंद्र शर्मा इसमें कहीं होते तो उनके बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि उनका कुछ काम जो शहर को उन्होंने किया है सिर्फ प्लाजा के आसपास और भी इधर उधर, तो ये माने काम की क्वालिटी से ऐसा लगता है कि वो माने थोड़ा सा अपने उस पर ध्यान देंगे, जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन को कराएंगे तो उसकी क्वालिटी पे ध्यान देंगे। तो यदि कांग्रेस में इनका नाम होता, चूँकि उनको उनके उसके बारे में जानता है तो उनके नाम को मैं सपोर्ट करता, बाकी इन तीन नामों से मैं। यदि बीजेपी की बात की जाए, तीन महापौर बीजेपी ने अभी दिए हैं लगातार, उनमें से कार्यकाल देखा जाए तो सबसे बेहतर कार्यकाल आप किसका मानेंगे? बेहतर कार्यकाल हो गया, लगभग समान ही था, कोई विशेष रूप से ये नहीं कर पाया कि मतलब मैंने बहुत अच्छा किया या मैंने बहुत ख़राब किया, जो भी थे सब हो गया समान ने उसमें चले, कोई बहुत अच्छा कार्यकाल नहीं कहा जा सकता किसी भी महापौर का, चाहे बीजेपी का जो भी रहा हो, एक सामान्य ही उसमें चले जो भी। महापौर ऐसा होना चाहिए कि हर वार्डों का वो एक बार अपनी व्यक्तित्व की तरह से निरीक्षण करना चाहिए उसको, कि हर किस वार्ड में किस चीज़ की कमी है, ये उनको विशेष ध्यान रूप से देख के अपना एक वो करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए कि हमको कहाँ पे किस व्यवस्था करनी है, कैसी व्यवस्था करनी है, इस तरह का एक महापौर अच्छा एक पब्लिक को चुनना चाहिए। कई महापौर हुए रीवा में, सबसे बेहतर कार्यकाल किस महापौर का आप मानते हैं? देखिए, जहाँ तक है कि महापौर तो बहुत हुए, ये तो लगभग विकास के बारे में महापौर जी ने किसी कभी नहीं सोचा कि किसी वार्ड का विकास संपूर्ण ढंग से किया जाए, तो कार्यकाल उनका करीब करीब हमको तो कुछ समझ में आया नहीं कि किसी का विशेष कार्यकाल था महापौर के रूप में, एक नाम सिंबल मिला हुआ था बस हो गया। अब आप उस सिंबल को बदलना चाहते हैं क्या? सिंबल को बिल्कुल बदलना चाहिए कि एक व्यक्तित्व वाला महापौर होना चाहिए, हर वार्ड का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए उनको, यही पिछले तीन पंचवर्षीय से भाजपा के ही महापौर रहे हैं, अब आप क्या दूसरे पार्टी का महापौर चाहते हैं? बिल्कुल चाहिए कि अब बिल्कुल बदलना चाहिए। एक गुरमीत सिंह मंगू का नाम सामने आया है, कविता पांडे का नाम आया है, विभूति नयन मिश्रा अभय मिश्रा के सुपुत्र हैं, उनका नाम सामने आया है। वो तो मीडिया का काम है, देखिए वो तो वो पब्लिक प्लेस वो पब्लिक चुनेगी कि हमको महापौर किस तरह का चाहिए, व्यक्तित्व साफ सुथरा स्वच्छ छल कोई 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 एक नाम आपके नज़र में जो हो? अभी तक तो हमने डिसीजन नहीं लिया है किसी का नाम का, कोई ऐसा व्यक्ति भाजपा या कांग्रेस में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई सिंबल से हमको कोई ज़्यादा उस मतलब नहीं है कि कोई भाजपा का हो कि या कांग्रेस का हो, जो कार्य करेगा वही है। आपकी तरफ से कोई ऐसा एक नाम? अभी तक तो हमने उनका चुनाव नहीं किया है। महापौर ऐसा चाहते हैं कि जो मतलब पूरे क्षेत्र की साफ सफाई और भी सब चीज़ें छोटी छोटी आम जनता की जो समस्याएं होती हैं उस पर ध्यान दिया जाए, कई सारे लोगों की छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जल पानी बिजली जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो समस्याओं का सुझाव किया जाए समय पर, आम जनता को परेशान ना होना पाए, ये बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है जो एक महापौर को उसकी ओर अपने ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। किस महापौर का कार्यकाल आप सबसे बेहतर मानते हैं? महापौर तो वही है जो आम जनता से सीधे जुड़ के काम करे। जनता का महापौर आप किसे मानते हैं? जनता का महापौर वही है जो जनता से सीधा जुड़ के काम करे, जनता की समस्याओं को मूलभूत बेसिक समस्याएं उनको ठीक से निराकरण कर सके। अभी तो बहुत सारे महापौर हुए अभी नहीं, मैं तो आउट ऑफ रीवा से हूँ। महापौर ऐसा होना चाहिए जो शहर की प्रगति उन्नत साफ सफाई इस पर विशेष ध्यान दे और नगर निगम में अच्छा काम करे,
अभी तक कई महापौर रहे जी, उनमें से सबसे अच्छा कार्यकाल आप किसका मानते हैं? सबसे अच्छा कार्यकाल शिवेंद्र का था। मैं फोन करूंगी तुमको काजल। अब समाचार पत्रों ने तो नाम उछाले हैं, अब वो जब सामने आएगा तो देखा जाएगा। एक कांग्रेस से एक नाम गुरमीत सिंह मंगू का आ रहा है, कविता पांडे का आ रहा है, पूर्व प्रत्याशी रहे अभय मिश्रा, उनके सुपुत्र हैं विभूति नरण जी, इन लोगों का नाम आ रहा है। और भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के कई राजेंद्र शुक्ला जी के कृपा पात्र हैं, उनका भी नाम आ रहा है जी, इस बारे में आपका कुछ कहना? कविता पांडे को मौका मिलना चाहिए। और दूसरों के बारे में क्या ख्याल है आपका? दूसरे भी ठीक हैं, लेकिन कविता पांडे एक अच्छी नेता हैं, जुझारू नेता हैं। जनता के मुद्दों पे किसने संघर्ष किया अभी तक? संघर्ष तो कविता पांडे ने ही किया है। मंगू के बारे में क्या कहना है आपका? मंगू के बारे में विशेष जानकारी मुझे नहीं है। विभूति नयन जी के बारे में बात किया जाए तो जानते हैं आप उनको? नहीं जानते। और भाजपा से ऐसा कौन से कैंडिडेट हैं जिनको आप महापौर के रूप में देखना चाहते हैं? अब भाजपा से, भाजपा के तो बहुत रह चुके हैं, अब कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए। जो विकास करे, समयानुकूल विकास करे, आज समय की जो मांग है उसके हिसाब से उसको विकास करना चाहिए, उसमें ध्यान देना चाहिए। अभी तक जितने महापौर हुए उनमें सबसे अच्छा कार्यकाल आप किसका मानते हैं? अभी तक तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि किसका कार्यकाल अच्छा है, क्योंकि मिला जुला कार्यकाल सबका रहा और कोई आशा के अनुकूल कोई महापौर यहाँ पे आए नहीं। जो यहाँ जो रीवा की जो मांग है, रीवा की मांग के हिसाब से उन्होंने काम किया, ऐसा भी कोई महापौर नहीं आया। ज़्यादातर महापौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही योगदान रहा है, बीजेपी के ही लोग रहे हैं, तो बीजेपी के महापौरों से आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से क्या? बीजेपी के महापौर का तो मतलब रह नहीं जाता है, होते हैं नियम है, होते हैं, पर महापौर तो उस जिले का होता है, सब जनता का होता है, उसमें पार्टी का योगदान नहीं है कुछ। उसमें जो कुछ योगदान है उस महापौर का और जनता के बीच का है। अगर ये भावना लोगों में हो जाएगी तभी महापौर सक्सेस होगा, जब तक पार्टी का महापौर होगा तब तक सक्सेस कभी नहीं होगा। जनता का महापौर अभी तक नहीं हुआ? जनता का महापौर अभी तक कभी नहीं। महापौर ऐसा चाहते हैं कि जो हर वार्ड का विकास कर सके, हर वार्ड का विकास कर सके। अभी कई महापौर हुए जी, क्या आपके उम्मीदों पे खरे उतरे हैं? जो महापौर उतरे हैं कोई भी मतलब अच्छा काम नहीं कर पाए। कैसा विकास चाहते हैं? किस तरह ऐसा चाहते हैं कि भाई नाली है, जिस पानी का व्यवस्था, लाइट का व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, ये सब होनी चाहिए। और पब्लिक का जो काम है वो होना चाहिए। अभी तक आपकी मंशा के अनुरूप कोई भी महापौर नहीं रहा? नहीं, कोई भी नहीं। आप महापौर के रूप में किस व्यक्ति का कार्यकाल सबसे उत्तम मानते हैं? जो थे मैं गुप्ता जी, जीरेन्द्र गुप्ता जी, इनका काम अच्छा था, फिर भी उतना अच्छा नहीं हुआ। अभी कांग्रेस ने भी कई प्रत्याशी सामने रखे हैं, मंगू का नाम आगे रखा है, कविता पांडे का आगे नाम रखा है, पूर्व प्रत्याशी रहे अभय मिश्रा, उनके बेटे विभूति नयन मिश्रा का भी नाम आगे रखा है, इनके बारे में क्या कहना आपका? अभी तो कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, क्योंकि ठीक तरीके से जानते भी नहीं। बीजेपी महापौर का, बीजेपी के कई महापौर रहे हैं, उनमें से आप किसका अच्छा मानते हैं? वीरेन गुप्ता, आशा तो अब विकास हुआ। कैसा महापौर चाहिए अभी आपको?
हो गया, ऐसे महापौर चाहिए जो काम करे, शहर का विकास करे। और क्या चाहत है आपकी, कैसा महापौर होना चाहिए? और विकास वाला चाहिए। अभी विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ हुआ। महापौर ऐसा होना चाहिए जो नगर का विकास कर सके, अच्छे ढंग से करे, तो चारे चौतरफा विकास हो, सभी का हो, हर मोहल्ले का हो, हर जगह का हो विकास। काफ़ी दिनों से आपने सिर्फ एक ही पार्टी का महापौर देखा है, भाजपा के कितने महापौर को आप जानते हैं? तीन चार महापौर, तीन दो जानते हैं। किसका कार्यकाल आप सबसे अच्छा मानते हैं? कार्यकाल तो ममता गुप्ता का भी ठीक था, शिवेंद्र पटेल का भी बहुत ठीक है, लेकिन फिर भी विकास उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। अपने रीवा में ये तो विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं सही ढंग से देखा जाए, अभी अतिक्रमण के नाम पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है कि वोट नहीं मिलेगा, और हर जगह देखिए जिले में दूसरे प्रदेशों में अतिक्रमण के नाम पे एकदम साफ़ सफाई कर दिया गया, अच्छे ढंग से साफ हुआ, तो चौड़ी सड़कें चौड़ी हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन रीवा में आज तक भी इस टाइप कुछ नहीं हुआ। अब क्या उम्मीद है कि कैसा होना चाहिए महापौर आपको? अब महापौर पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक जिसको जिताए उस हिसाब से है। आपका क्या ओपिनियन है? मालूम तो हो कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं, यही से क्या बताया जाए कौन जीतेगा। तीन चार नामों की सूची पेपर ने उछाली है अभी? नहीं, अभी हमने नहीं देखा, नहीं ध्यान। महापौर जो काम शहर की बढ़िया साफ सफाई का ध्यान सबसे पहले, बस्तियों का ज्यादा बस्तियों पर ध्यान दिया जाए। अभी तक जो महापौर रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल गरीब बस्तियों तरफ वो ध्यान ही नहीं दिए बिल्कुल, जो बस्ती 20 साल कचड़े से पट्टी उसी तरह पट्टी है। आपके विचार से कौन महापौर के लिए उत्तम व्यक्ति होगा, चाहे वो भाजपा या कांग्रेस दोनों की तरफ आप देख लें, कौन सा व्यक्ति अच्छा होगा? देखिए, जो वर्तमान समय में काम को ज्यादा महत्व दे देगा, वो चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। किस महापौर का कार्यकाल आप बेहतर मानते हैं अभी तक? अभी तक हो गया कोई भी महापौर मतलब पूरा कार्य नहीं किया जैसे चाहिए कि बस्तियों तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो कोई महापौर अभी तक नहीं, किसी बस्ती में घुसे नहीं महापौर आज तक। जो अपने नगर की साफ सफाई और पानी वगैरह की व्यवस्था और छोटी छोटी जो सड़कें हैं मोहल्ले की, उनकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो सब बन चुके हैं ना, जो बाकी हैं उनकी हो। कई महापौर हुए, उनमें से सबसे अच्छा कार्यकाल किसका मानते हैं आप? अभी जो वर्तमान में थे उनकी तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वर्तमान में से कौन लाया, किस प्रकार का पार्षद है, किस प्रकार के महापौर निकल के सामने है, कैसे प्रत्याशी है, क्या चाहते हैं? महापौर का प्रत्याशी जो होना चाहिए अच्छी छवि वाला व्यक्ति होना चाहिए, जिसके अंदर लग्न हो, नगर नियम के 45 वार्डों में कार्य करने की क्षमता हो, पार्षदों से कार्य कराने का अनुभव हो, और शहर को और आगे और विकास की गति में ले जाने के जिसकी क्षमता होना चाहिए, कार्यशैली होनी चाहिए, ऐसा ही महापौर होना चाहिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी महापौर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। किस प्रकार का उनका कार्यकाल था अभी तक? अभी तक तो जितने कार्यकाल रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी थी और तब से अभी तक के जितने भी महापौर बने हैं उन सब का कार्य बहुत अच्छा रहा है। अभी विगत एक वर्ष से जब से महापौर का निर्वाचन शून्य हुआ है तब से अभी तक तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, हर वार्डों में हर मोहल्लों में दिक्कतें आ रही हैं कार्य के लिए, लेकिन अब ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार निर्वाचन आयोग पुनः बहुत ही जल्द चुनाव कराएगा और एक बार फिर से जनता को उन असुविधाओं से बचने को मिलेगा जो उनको अभी असुविधा हो रही थी अभी तक में, अब असुविधा नहीं होगी उनको। मैं नाम राकेश कुमार गुप्ता है। नगर निगम का चुनाव होने वाला है,
महापौर पिछले महापौर का क्या है और अब आगामी जो चुनाव होगा किस तरह के महापौर चाहिए आपको, क्या चाहते हैं? अरे महापौर अपने बीच में ऐसा है जो मार्केट के लिए व्यवस्थाएं और मार्केट के अनुसार काम करता चले, ये नहीं कि ये घर में बैठे रहे। वार्ड में जाए क्या, किस प्रकार वार्ड वार्ड जाए सफाई करवाएं और क्या करेंगे, इसके अलावा महापौर के पास काम ही क्या है। ये नगर निगम चुनाव होने वाला है, किस प्रकार से महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी सामने आए, कैसे महापौर और पार्षद आप लोग को दिए? पहले तो यहाँ की जनता को मैं नमस्कार कहूँगी और दूसरी बात, हमें यहाँ का महापौर चाहिए जिस तरह के हम लोग हैं, जैसे आम जनता है जो सुविधाएं चाहती है और जो सुख सुविधाएं पहले थी, जैसे कोरोना काल में पूरे शहर को सपोर्ट किया गया और पिछले महापौर ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें और बेटर चाहिए हमारे शिक्षा के साथ, हमारे यंगस्टर के साथ, हमारी विधवाएं और जो वृद्ध हैं उनके साथ, उस तरह का महापौर जो हर तरह सपोर्ट कर। और फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ जो क्लीन अभी सफाई वो ज़रूरी है, उसके आवाज़ में वो महापौर काम करें। क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि सोनी है, मैं यहाँ नगर निगम के क्षेत्र की हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ जो महापौर आए मतलब एक नई उन्नति और विकास लेके आए, जिसके तौर पे हम ये महसूस कर सके कि हमारा क्षेत्र एक स्मार्ट सिटी है और था और रहेगा। नगर निगम का फिर से चुनाव होने वाला है, किस तरह का महापौर चाहिए, किस तरह की जनता चाहती है, आप क्या चाहते हैं, आपकी राय क्या है? महापौर जो इस समय रीवा की वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से यहाँ का महापौर का जो प्रत्याशी है वो यहाँ के माहौल में कभी सक्सेस नहीं होगा, और अगर यहाँ के माहौल में आ गया तो कोई काम नहीं कर सकता है। महापौर तो ऑलरेडी क्या होना चाहिए, जैसा माहौल उस तरह का प्रत्याशी। तो आज की डेट में ऐसे लोग हैं नहीं, आज की डेट में तो सब मुंह देखी बात करते हैं, गिरगिट से रंग बदलते हैं, तो ऐसा प्रत्याशी तो मिलना मुश्किल है। अब दुर्भाग्य से कोई मिल जाएगा, कोई जीत जाएगा, तो यहाँ प्रत्याशी क्या महापौर बन जाएगा, बस किस्मत की बात है, गधे कुत्ते कमीने कोई भी आ जाए, इन्हीं की जरूरत है, तो ईमानदार लोगों की कोई जरूरत नहीं, और यही माहौल जो चला सकें है ना, टोटल फ्रॉड, टोटल झूठा और बस मुंह से जिंदाबाद मुर्दाबाद पूरी घोषणा, ऐसा प्रत्याशी चाहिए रीवा के महापौर। किस प्रकार का काम करे, आप क्या चाहते हैं? काम बिल्कुल ना करे, सिर्फ घोषणा करे और तेल के रुपया कमाए। आपने सुना, जनता पढ़ा लिखा योग्य और अपनी समस्याओं को सरलता से सुनने वाले महापौर की आशा लगाकर बैठी है। पार्टियां किसे टिकट देती है ये तो पार्टी स्तर की बात है, लेकिन जनता सिर्फ विकास चाहती है। वो चाहती है कि कागजों में विकास दिखाई ना दे बल्कि धरातल पर रीवा शहर को महानगर बनाने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए ऐसे ही व्यक्ति को महापौर की कुर्सी पर बिठाया जाए। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।